Hello everybody, we are back with another video. Today we will be looking into the alphabet practice series part 1. Here I will teach you how to do practice for particular alphabets in which you have problem. Okay, so aaj hum log k alphabet words ya k sound phonetics ke upar baat karenge, jisse ki har wo shabd jo k अक्षर से शुरू होता है या के अल्फाबेट से शुरू होता है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में आप समझ सकते हैं, उसमें अगर आपको दिक्कत है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो लेट अस बिगिन दिस वीडियो. सो बेसिकली हमको ये कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे कि अल्फाबेट या पर्टिकुलर वर्ड को हम मास्टर कैसे करेंगे. सो द बेसिक टेक्निक फॉर मास्टरिंग एनी पर्टिकुलर अल्फाबेट और अ वर्ड इज टू प्रैक्टिस वोकल एक्सरसाइजेस फॉर दैट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क अक्षर में दिक्कत है तो आप क अक्षर के वोकल एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करेंगे. वोकल एक्सरसाइजेस क्या है मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है, सो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो. द सेकेंड मेथड इज टू डू द अल्फाबेट स्ट्रिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. यही वो चीज है जो आज हम देखने वाले हैं. ठीक है, अल्फाबेट स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे. एंड थर्ड इज विजुअलाइज द फॉर्मेशन ऑफ दैट वर्ड. जब आप क अल्फाबेट की बात करते हैं या के अल्फाबेट या क अक्षर की बात करते हैं, तब आप देखेंगे कि वो फॉर्म कैसे होता है. आपका जो टंग है वो अपर जॉ के पीछे के पार्ट में जाके टच होता है, उससे फिजिकल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ. एंड देन यू पुट इन सम सॉर्ट ऑफ साउंड जिससे कि वो पर्टिकुलर अल्फाबेट बाहर निकलता है. जैसे कि क, प, ब, म, सब में दो पार्ट्स होते हैं. पहला है आपका फिजिकल फॉर्मेशन एंड सेकेंड पार्ट इज अ साउंड. तो वो कैसे काम करता है वो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा. सो व्हाट इज एन अल्फाबेट स्ट्रिंग? नाउ अल्फाबेट स्ट्रिंग इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ अल्फाबेट स्पोकन विद डिफरेंट फोनेटिक्स इन वन ब्रेथ. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग के अल्फाबेट या क अक्षर के बारे में बात करेंगे. सो प्लीज लिसन टू द सैंपल दैट आई एम गिविंग यू वेरी केयरफुली. आपको अल्फाबेट स्ट्रिंग में ऐसे बात करना है, क का की कू के को, 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 क का की कू के को. तो ये करने से क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को अभी अभी जैसे मैंने आपको एक छोटा सा सैंपल दिया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बेसिकली क का की कू को को. ठीक है, तो ये जो एक स्ट्रिंग है इसको मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं. इससे क्या हो रहा है कि ये जो अल्फाबेट है इसके ऊपर मेरा कमांड धीरे धीरे तैयार हो रहा है. नाउ ऑब्वियसली ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक दिन किया और आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है. बट एटलीस्ट इफ यू डू इट कंसिस्टेंटली फॉर एवरी वर्ड, फॉर एवरी अल्फाबेट. आने वाले वीडियोज में मैं आपको और भी अल्फाबेट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग क के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है. राइट, सो इसमें ऐसे करने से जो क अक्षर है, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है कोमल, तो कोमल बोलने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको ये अल्फाबेट स्ट्रिंग ऐसे बोलना है जैसे मैंने अभी बोला है. या कोमल के अलावा भी कोई भी ऐसा कोई वर्ड हो जो क अल्फाबेट से शुरू होता हो, के अल्फाबेट से सॉरी, या क अक्षर से शुरू होता हो, तो आपको ये उस पर्टिकुलर अल्फाबेट का अल्फाबेट स्ट्रिंग आपको प्रैक्टिस करना है. जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा, और इससे आपको अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल जाएगी. बिकॉज ये नहीं करेंगे तो आपके जो फेशियल मसल्स हैं, जो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है आपके ब्रेन में, जो ये वर्ड फॉर्मेशन को गवर्न करता है, जो हमारे फ्रंटल लोब में होता है, वो ट्रेन नहीं होगा एक पॉजिटिव रिएक्शन देने को जब भी आप इस वर्ड को बोलना चाहेंगे या इस अक्षर को बोलना चाहेंगे. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दिस अल्फाबेट स्ट्रिंग? अल्फाबेट स्ट्रिंग का एक छोटा सा सैंपल मैंने आपको दे दिया है. द बिगेस्ट बेनिफिट इज कि इट कैन बी डन एनी टाइम एनी वेयर. इसको कोई करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है. आप चाहे तो सुबह कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम को कर सकते हैं, कभी रात को कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिला आप कर सकते हैं. वोकल एक्सरसाइजेस के जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले बताया था वो इसमें यूज होंगे. पहले आप गहरी सांस लेंगे बेली से, एंड देन ओनली यू विल डू इट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज समथिंग यू नो विच यू कैन यूज बिफोर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग और प्रेजेंटेशन. जैसे कि आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है जो कि आए दिन देना पड़ता है, तो वहां पे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आईने के सामने अपने घर पे, तब आप ये अल्फाबेट स्ट्रिंग्स को प्रैक्टिस कीजिए उन वर्ड्स के लिए जहां पे आपको दिक्कत है. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पेशल फॉर दोज हुज नेम स्टार्ट्स विद के. अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कोमल वर्ड का एक एग्जाम्पल दिया था, उसी कंसेप्ट को आप सारे वर्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं.
इसको आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ। इन द कमिंग वीडियोस आई विल कवर अ लॉट मोर अल्फाबेट्स, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस चैनल एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।